फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आप है एक्सेल कंप्यूटर में। जिनका भी आज SSSC का एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से SSSC का एग्जाम टॉप करें। स्टूडेंट्स, एग्जाम बाद आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके सेंड कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट आपके सामने है 8181871106। अगर SSSC एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस की टाइमिंग आप देख लीजिए। पहली क्लासेस सुबह 7 बजे, दूसरी क्लासेस शाम को 7:30 बजे और तीसरी क्लासेस शाम को 9 बजे। इन तीनों क्लासेस को आप जरूर अटेंड करिए। जिनका भी SSSC का एग्जाम है वो तीनों क्लासेस को विजिट करें और करें SSSC को टॉप। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज? तो स्टूडेंट्स, यहां पर पहले दिया हुआ है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इनके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर ये होते क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनका उपयोग करने के लिए हमें कंपनी को या कंपनी के मालिक को पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले होते हैं। जबकि जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हमें परचेज करना पड़ता है, तो वो क्या है आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? SMTP, POP, IMAP या HTTP? सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए हम यूज करते हैं POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, POP। ठीक है ना, इसका वर्जन कौन सा होता है, तो POP3 होता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। और HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? MV, CP, LPR या सॉरी IPR या फिर PT? LPR ही था, है ना, यहां पर बाई मिस्टेक IPR मैंने पढ़ दिया। यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए हम LPR कमांड का यूज करते हैं। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन थर्ड, LPR। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय एंड इनमें से कोई नहीं। तो उमंग ऐप किससे लॉन्च हुआ, तो उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा। प्रेजेंट टाइम पर वित्त मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो वित्त मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पर, निर्मला सीतारमण जी हैं, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। बेसिक बेसिक चीजें भी एग्जाम में पूछ जाती हैं तो उनको भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, मैसेंजर किससे संबंधित है? इंटरनल मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग, इंस्टेंट मैसेजिंग या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैसेंजर आपका संबंधित है यहां पर इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा। इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर वो सारे ऐप्स आते हैं जिनके द्वारा हम चैटिंग कर सकते हैं। तो मैसेंजर क्या है, ये भी चैटिंग का ही एक ऐप है, चैटिंग की ही साइड है, तो ये आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट, FTP कैसा प्रोटोकॉल है? स्टेटफुल प्रोटोकॉल, स्टेटलेस प्रोटोकॉल, स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड स्टेट कंट्रोल प्रोटोकॉल। FTP, FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और ये कैसा प्रोटोकॉल है, तो राइट आंसर इसका क्या है, स्टेटफुल प्रोटोकॉल,
याद रखिएगा स्टेट फूड प्रोटोकॉल। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, पीपीएफ का अभिप्राय है। पीपीएफ का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोविडेंट फंड, पेंशन प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पेंशन प्लानिंग फंड। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, पीपीएफ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, कॉपी कार्बन, कार्बन क्लाइंट या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इसी से रिलेटेड एक चीज और है, बीसीसी। तो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, याद रखिएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आप जान लीजिए कि सीसी और बीसीसी इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो सीसी में क्या होता है कि जैसे आप किसी एक मेल को कई सारे लोगों के पास भेज रहे हो, तो अगर आप सीसी के द्वारा भेजोगे कार्बन कॉपी के द्वारा, तो सभी लोगों को ये पता रहेगा कि यह मेल इनके पास भी भेजी गई है और इनके पास भी भेजी गई है। मतलब जितने लोगों के पास भेजोगे सबको पता रहेगा कि यह मेल किसके किसके पास भेजी गई है। जबकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, कोई भी मेल आप भले ही सभी लोगों के पास भेजो एक ही मेल को, लेकिन किसी को यह नहीं पता रहता है कि यह मेल किसी और के पास भी भेजी गई है। सबको यही लगता है कि जो मेल भेजी गई है वो पर्सनल मेरे पास में भेजी गई है। तो यही डिफरेंस है आपके सीसी और बीसीसी में। अब नेक्स्ट, एईपीएस द्वारा अधिकतम कितना रुपया प्रेषित किया जा सकता है, 5,000, 50,000, 1,00,000 या फिर 10,000 रुपए का। तो स्टूडेंट्स एईपीएस के द्वारा अधिकतम कितना भेज सकते हैं, तो राइट आंसर कितना है आपका, 50,000 रुपए। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है ना। तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट्स का मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, है ना। और एईपीएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या एईपीएस में डेबिट कार्ड की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल फाल्स है, एईपीएस में डेबिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर आधार कार्ड और बायोमेट्रिक के द्वारा पूरा ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट, ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई, 2005, 2006, 2007 या फिर 1986, 1986। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 2006। 2006 में ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, जंक मेल का दूसरा नाम क्या है, स्निफर स्क्रिप्ट, स्पूफ, स्पैम या फिर क्रैप। तो स्टूडेंट जंक मेल का जो दूसरा नाम है वो है आपका स्पैम, इसे स्पैम ही कहा जाता है, ठीक है ना। जो जैसे ई कॉमर्शियल कंपनी है वो लगातार विज्ञापन के लिए मेल भेजती रहती है, तो वह मेल भी आपकी जंक मेल ही कहलाती है, स्पैम में आती है, हाँ। इसके अलावा जो भी अनचाही मेल है जिसको आप नहीं चाहते हो कि आपके पास आए लेकिन फिर भी आती रहती है, वही आपकी स्पैम मेल होती है, जिसे हम जंक मेल के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, किसी सिस्टम बोर्ड पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अवयवों में संचार का समर्थन करने वाले पथों को क्या कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, किसी सिस्टम बोर्ड पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अवयवों में संचार का समर्थन करने वाले पथों को क्या कहते हैं, नेटवर्क लाइंस, लॉजिक पथ, बस लाइंस या फिर गेटवे। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, बस लाइन, है ना। अब नेक्स्ट, क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर फॉर्मेट मतलब जो भी फॉर्मेटिंग आपने की है सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए। तो देखिए यहां पर जैसे राइटर ओपन कर लिया और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कुछ फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं। जैसे यहां पर क्या किया हमने, कलर दे दिया, साइज को यहां से हमने और क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, है ना। यहां से इसको हम इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं और क्या करते हैं, इस फॉर्मेटिंग को हमें हटाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे, तो यहां पर जितनी भी फॉर्मेटिंग आपके सामने थी देखिए सारी फॉर्मेटिंग आपकी रिमूव हो गई, है ना। तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहां पर आप फॉर्मेट मेनू में देख भी रहे होंगे, है ना,
कि फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत आपको क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है जिसकी शॉर्टकट की वहां पर लिखी हुई है कंट्रोल प्लस एम, है ना। ऐसे यहां पर क्लोन फॉर्मेटिंग दिया है, क्वेश्चन भी आता है कि फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है यहां पर आपको दिखाते हैं, एक जगह की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी प्लेस पर अप्लाई कर देता है। सपोज दैट यहां पर कलर चेंज है, इटैलिक है और इंडर लाइन है। अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए, यहां पर जाइए फॉर्मेट पे, क्लोन फॉर्मेटिंग ले लीजिए। अब देखिए यहां पर एक बॉक्स आपका आ गया है ना, कलर का डिब्बा जैसे है। अब जहां भी आप इसको करोगे वही फॉर्मेटिंग यहां पर भी देखिए हो गई है ना। तो क्या करता है, एक जगह की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे प्लेस पर उसे अप्लाई कर देता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहां पर पहले टिक कर देते हैं कंट्रोल प्लस एम इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन क्या है? एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन लेन देन करना, एक केंद्रीकृत ऑनलाइन खाता या एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आप नेक्स्ट, यूनिक्स में किसी रिमूव फाइल के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, या किसी फाइल को रिमूव करने के लिए लिखा होता ज्यादा बेटर होता, यहां पर बाय मिस्टेक रिमूव फाइल लिखा हुआ है ना। तो किसी भी फाइल को रिमूव करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, MV, RM, TAR या फिर PT। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सेकेंड, सेकेंड क्या है आपका, RM। तो यूनिक्स में किसी भी फाइल को रिमूव करने के लिए, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RM कमांड का यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए मेहमान है तो चाय पी के जाइएगा, जस्ट आई एम जोकिंग, चाय नहीं पीना है, जो आपको नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे और आसानी से आप एक्सेल, टैली, फोटोशॉप, HTML, CCC, O-Level या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस को अटेंड कर सके। जल्दी ही चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।